टू माय व्लॉग दोस्तों, आज हमारी प्यारी मॉर्निंग हुई है कोलंबो में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आपने देखा ना बिल्डिंग कितनी सुंदर है, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट एरिया और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जितना टाइम हमें बचा हुआ है उसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी ताकि ज्यादा से ज्यादा देर एरिया एक्सप्लोर कर सके। मिस्टर आदित्य का लुक ये सांबर डोसा अच्छा था। ले लो इसको। बहुत देर से वेट कर रहे कि आ गया फ्री हो और खिलाए। So this gentleman is also from India and he has come from Bangalore to Sri Lanka for a business meeting and he is staying in this same hotel in which we are. So he was observing Adya from a long time. He wanted to pick Adya as she reminded him of his own daughter. तो नाउ फाइनली कल तो शॉप सब बंद थी तो आज हम निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत जल्दी निकल गए और ये हमारा होटल है। रत्नागिरी रेस्टोरेंट सिंस 1934 एंड इट्स रियली हॉट हियर। काफ़ी तेज़ धूप थी और आज ही मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी। तो हम आए हैं रेलवे स्टेशन के पास, यानी यहाँ की जो ये स्ट्रीट मार्केट है काफ़ी फेमस है। एग्जैक्ट कोलंबो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साइड में है। यहाँ पे हम आए हुए हैं मार्केट में, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है और बिल्कुल हमारी मलाड मार्केट टाइप की मार्केट लगी हुई है। अभी धीरे धीरे शॉप्स खुल रही है, पूरी तरह खुली नहीं है। ये देखते हैं, अभी यहाँ ना ज्यादा बॉयज का मिल रहा है, सब बॉयज शॉर्ट्स हेयर पे काट गया मच्छर, ये सब खोल रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ पे देखो लेदर बैग्स हैं। यहाँ पे ना एक प्रिंट फेमस है, बाटिक प्रिंट, जो हमारे यहाँ भी बहुत चलता है, गोवा में भी इजीली मिल जाता है। सो वो बाटिक प्रिंट यहाँ के लोग भी बहुत पहनते हैं और यहाँ पे भी प्रिंट होता है वो वाला। तो ये लोग बोल रहे हैं बाटिक प्रिंट का कुछ लो, बट हमारे पेरेंट्स को कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये ले रहे हैं शॉल, किसी किसी को हिंदी भी आती है यहाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे हिंदी भी आती है, सो फायदा होता है उसका। ये अगर किसी को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, टूटी फूटी आती है, तो दोनों मिक्स करके यहाँ पे काम बन सकता है। ये लोग बुला लेते हैं, जैसे अगर किसी शॉप वाले को हिंदी नहीं भी आती है, तो ये लोग बुला लेते हैं किसी हिंदी वाले को बात करने के लिए। तो कोलंबो है एकदम, जैसे कि कहते हैं यहीं पे ही सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुकती हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को भी ये थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं और बोलते हैं। ये वाली हट देखो आप, बर How much is this for? This one? 1,400. Very costly. अभी अभी यहाँ से चल के आए, सब लोग रुक गए हमारे लिए। ये देखो ये तरीका इंडिया में भी होना चाहिए, ये लोग पैदल वालों के लिए कोई नहीं रुकता वरना। हमने बहुत सारी स्ट्रीट शॉपिंग की बहुत ही किफ़ायती दाम में, क्योंकि हमें बार्गेन करना आता है, बिकॉज़ वी आर इंडियंस एंड वी आर गुड एट बार्गेनिंग। नाइट में दिखाया, अब आपको दिन में दिखा रही हूँ कोलंबो सिटी, अ ब्यूटीफुल सिटी, इवन अ हेरिटेज वन।
ये क्या चीज है? सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस। बस स्टैंड तो रात को हम इसी वाली स्ट्रीट पे चल रहे थे, अब ये देखिए हम दिन में भी चल रहे। अब सही गली आए, नहीं नहीं यहाँ से लेफ्ट है, इस इधर गली में घुस के लेफ्ट है। गाइस जाते जाते आपको ये रूम दिखा दूं कि ये रूम इस तरह का था और वहाँ पे स्टडी टेबल था, बिल्कुल सिटी रूम्स जैसे फ्लैट्स होते हैं ना उस टाइप का ही था। एंड यहाँ से आप देखो ओशन भी दिखता है। ये बिल्डिंग हिल्टन होटल, बैंक ऑफ सिलोन, एंड वो देखिए बीच दिख रहा है, सुंदर सा इंडियन ओशन, प्यारा सा समंदर, वो भी यहाँ से विजिबल है। सो अगेन ये है हमारा रूम। आतिया सो रही है कि उसको दवाई पिला दी मैंने। हाँ एक मेरा, एंड ये वॉशरूम बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने ये श्रीलंका की टी शर्ट पहनी है जो यहाँ से खरीदी थी, मैंने भी और आदि ने भी, यस और आद्या ने भी श्रीलंका की टी शर्ट हम तीनों ने पहनी है। ओह माय चाइनीज डॉल। लो हम सबका एक साथ एक यार, एयर ड्रॉप से बिना वाईफाई के भी हो जाता है। ओए सुन सुन सुना, ये बिना आईफोन वाले क्या जाने, जिनके पास आईफोन नहीं वो क्या जाने। अच्छी यादें ले जाते हो, पापा कह रहे बीड़ी कौन पी रहा है। ये कैमरा में आना चाहिए था। हाँ वो अंदर नहीं पी सकते ना। चलो जय श्री राम, जय श्री राम। उतरो, पवित्र धरती है ये भी भाई। उतरो ये पागल में हो जाओ के। इस शहर से और इस कंट्री से इतनी अच्छी मेमोरीज जुड़ गई है ना कि हमेशा ये कंट्री हमें याद रहेगी, क्योंकि रिलीजियसली भी हमारे लिए कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खास बात ये कि मेरा पहला फॉरेन ट्रिप है और आप अब रोड्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। वी विल मिस यू श्रीलंका। कोई भी जगह खास बनती है जब वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। हमें यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, ईमानदार और जेन्युइन, और स्पेशली हमारे मंजू भैया। नॉट लुटेरा पीपल, बेचारे लूटना भी नहीं जानते, लूटते लूटते भी 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया। नहीं ऑटो वाले ने लिया अभी तो भी 100 ही लिया एक्स्ट्रा ऑटो। मंजू जी इमोशनल हो गए। बहुत अच्छा लगा, घर जैसा आपके साथ लगा, फैमिली मेंबर की तरह। आप भी इंडिया आओ हमको फोन करो, नहीं आप भी इनवाइट करो पापा।
इमोशनल हो रहे हैं वो। अरे अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है। इधर आ जाओ मम्मी, इस वाले से नहीं होगा, इसमें रबड़ लगी आगे। यस ऐसे भी ऐसा लग रहा है कि अपने किसी मतलब रिश्तेदारों के यहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहे हैं, इतने अच्छे लगे वो मंजू भैया। ये हमारे उनको धन्यवाद बोलेंगे इसके लिए जिनसे हमने बुकिंग कराई है। बहुत अच्छा लगा, हम मेरे को खुद इमोशनल लग रहा है। पापा के जोक्स पे इतना हंसते तो क्या प्राइस लिखा है ना एंट्री वाला। सो ये सब अगर किसी का कुछ रह जाता तो ले सकते हैं, मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो फिर आपको 3 times रेट पे मिलेगा, ये सब महंगे हैं इधर तो, तब 3 गुना है। 3 गुना डबल रेट। देखो शॉप्स बहुत अच्छा लगा, अच्छा अभी भी अच्छा फील हो रहा है, अच्छी जगह से हम लौट रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस। आयु बुआन बैकड्रॉप कर रहे हैं हम यहाँ पे, लोग मेरे वेट मेरे बैग के लगेज के लिए खड़े हैं वेट चेक करने को। 23.5 आया मजा। यहाँ तो ना लाइन ज्यादा है इमिग्रेशन में और ना ही देखिए ना ही भीड़ ज्यादा है, सब हो रहा है। आप लोग तीनों करो तो आप उधर कहाँ की है? I think so, है ना? ठीक हो जाएगी। इधर ही खड़े रहो पापा, देखना पापा कुछ हो रहा है? दिख नहीं रहा, आंखें ठंडी हो रही है ना? क्या बात है, अब तो सही हो गई, सही हो गई। She's running away. She's gone. So, हम बैठे पिज्जा हट में और हमने $10 का पिज्जा ऑर्डर किया है, यानी कि रेगुलर पिज्जा स्मॉलेस्ट साइज $10 का है, यानी कि 850 rupees एग्जैक्टली। फोल्ड ना बट नॉट फोल्ड, सो देखो $10 और $20 का, पता नहीं ये कहाँ से ऐसा प्रिंट है। पापा को मिला ये नोट और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मम्मा पचाओ। यहाँ देखिए कमाल इंडियंस जहाँ होते हैं वहाँ क्या होता है। सही बात है ना, दोबारा दिवाली मनाएंगे। और यहाँ पे एयर होस्टेस ने जीजू के गोद में रख दिया है सामान, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और आदि बोल रहे थे वीडियो अलाउड नहीं है, बंद करो। बाय कोलंबो। कि हम आए हैं तेरा पो। हाय हाय मुंबई, तो आ गए हैं मुंबई।
खुद के देश में वापस आने की खुशी भी एक अलग ही होती है। तो मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल। जय माता दी।